हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छी खासी ज़्यादा सैलरी के साथ में दी गई है। इसका डिटेल जानने के लिए हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और उसका नोटिस को देखते हैं कि क्या क्या डिटेल दिए गए हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल क्या दिया गया है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसका नोटिस को, क्या क्या डिटेल और भी दिए गए हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए recruitment.eil.co.in। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक पीडीएफ सामने आ जाता है जहाँ पे केमिकल के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई है। देखिए एग्जीक्यूटिव GR 1, GR 2, GR 3, इसमें 10, इसमें 4, इसमें 3, ये वैकेंसी निकल के आई है। कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला 10 वाला वैकेंसी जो दिया गया है, देखिए GR 1 के लिए, इसमें जनरल के लिए 4 दिया गया, EWS के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC के लिए 3 दिया गया है। इसी तरह से 4 रिक्वायरमेंट जो निकल के आई है GR 2 के लिए, इसमें जनरल के लिए 3 है, OBC के लिए 1 है, 1 दिया गया है। इसी तरह से GR 3 के लिए जो निकल के आती है, जनरल के लिए 2, ST के लिए 1 दिया गया है। ये कैटेगरी वाइज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बीच में देखिए बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो सबका पोजीशन पे हम लोग पहुँच जाएंगे। जैसे मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे क्लिक करूँगा तो इस पीडीएफ के प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑप्शन जहाँ पे है वहाँ पे मैं आ गया। तो ये सब डिटेल शॉर्ट में आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। आप हम लोग का आ जाता है यहाँ पे पोजिशन कोड डिसिप्लाइन केमिकल के लिए दिया गया है, जिसमें GR 1 के लिए देखिए यहाँ पे अपर एज लिमिट 37 और GR 2 के लिए 41 दिया गया है क्वालिफिकेशन, और इसमें दिया गया है थर्ड वाले के लिए 45। तीनों के लिए क्वालिफिकेशन जो दी गई है बी बीटेक बीएससी इन केमिकल डिसिप्लाइन विथ 60% मार्क के साथ में। उसके बाद ये जो आ जाता है मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए एक्सपीरियंस, इसमें 4 साल दिया गया है, इसमें 8, इसमें 12 दिया गया है। उसके बाद राइट साइड में दिया गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेवेंट जो होना चाहिए उसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे में स्कोरिंग होगा, परसेंटेज दिया गया है 60% दिया गया है। CGPA/CPI ऑन 10-point scale 6.5 दिया गया है इसका, फिर दिया गया है 5.4, 4.8, इस तरह से दिया गया है काफ़ी सारे। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो सैलरी हम लोग को देखने मिल जाती है, जिसमें से GR 1 के लिए देखिए दिया गया है एक्स कैटेगरी सिटीज के लिए, वाई कैटेगरी सिटीज के लिए, जेड कैटेगरी सिटीज, 3 टाइप के कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से 80,000, 76,000 और 72,000 दिया गया है वो GR 1 के लिए दिया गया। GR 2 के लिए 96,000, 91,200, उसके बाद 86,400 दिया गया है। GR 3 के लिए दिया गया है 1,06,400 दिया गया है, उसके बाद 1,08,000 दिया गया है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, एनी वेयर इन इंडिया, कहीं भी जहां भी उसका ब्रांचेस है वहां ड्यूटी मिल सकता है। सिलेक्शन मोड इसमें कोई भी एग्जाम नहीं दिया गया है, विल बी थ्रू इंटरव्यू दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू जो दिल्ली में होगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेप फॉर द अप्लाइंग, स्टेप कित बहुत सारे दिए गए हैं। पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिंक दे दिया गया है जो engineersindia.com से जाके कर सकते हैं। सेकंड वाला यहाँ पे देखिए दिया गया है रीड केयरफुली इन द इंस्ट्रक्शन गिवेन ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। फोर्थ नंबर में पॉइंट में दिया गया है कि किस तरह से अप्लाई करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने साइज के होने चाहिए और किस फॉर्मेट में होने चाहिए, वो चीज़ दिया गया है। फिफ्थ नंबर में पॉइंट आ जाते हैं, फिफ्थ नंबर में ये बोला गया है कि जो आप लोग अप्लाई करेंगे उसका जो डॉक्यूमेंट आएगा प्रिंट आउट, उसको कोई हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है उसका। और कट ऑफ डेट वगैरह जो भी कैलकुलेट रहेगा वो 31/1/2020 के आधार से कैलकुलेट किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो डेट रहेगा 31/1/2020 से लेके 20/2/2020 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेल एड्रेस वगैरह जितने भी वहाँ पे डालेंगे अप्लाई करते टाइम सब वैलिड होना चाहिए, खास करके तो मेल और मोबाइल नंबर। 7 नंबर पॉइंट में यहाँ भी दे दिया गया है, देखिए एप्लीकेशन इज नॉट टू बी सेंड बाई पोस्ट, कोई पोस्ट द्वारा नहीं भेजना है, ऑनलाइन ही इसको करना है। 12 नंबर पॉइंट में देखिए दे दिया गया है कि मेल का रिस्पॉन्सिबल वो नहीं रहेंगे अगर आप लोग गलत देते हैं तो, क्योंकि मेल के थ्रू ही सब कुछ डिटेल आप लोगों को दिया जाएगा, जैसे लेटर सेंड ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग पोर्टल वगैरह जो भी रहेगा आप
आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो सब अगर उन लोग मेल से भेजते हैं तो नहीं पहुंचता है तो वो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग इसको एग्जैक्ट और एक्टिव वाला मेल ही प्रोवाइड करें। तो ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जैसे आप लोगों को देख ही सकते हैं, हम लोग देख भी चुके हैं कि सैलरी कितनी अच्छी खासी दी गई है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी खासी सैलरी दी गई है, तो इसमें अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को जितने हो सके लाइक करें, शेयर करें, आगे और स्टूडेंट तक पहुंचाएं और कैंडिडेट तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और इसी तरह से डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दें।